हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कवि दी फैमिली व्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आज तारीख है 2 जुलाई 2021 और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 8:30 बजे का। तो अभी से मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि विहान और विहान के पापा आज किस काम में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है ना, मैं काफ़ी दिनों से विहान के पापा के पीछे पड़ रही थी कि ये ना मटका विहान इधर उधर खेल के ना पूरा ख़राब करते रहता है। हालांकि ये पुराना ही मटका है, लेकिन मैंने कहा कि इसको ना आप थोड़ा सा तोड़ के और फिर पक्षियों के पानी रख दिया करो। तो बस पापा ने तो पूरा उसी का आज काम लेके बैठे थे विहान के पापा। तो आप देख सकते हैं अभी कवरिंग ना पूरी अच्छे से निकाल दी है। और फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पक्षियों के लिए पानी रखना। हालांकि मैं खाना मतलब रोटी वगैरह जो रहती है ना वो भी रख देती हूँ, तो लेकिन क्या है कि पानी पक्षी टब वगैरह भरे रहते तो उसमें से भी पी लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि स्पेशल उनके लिए यहाँ पर रख ही दो। तो फ्रेंड्स, आप कौन कौन इसी तरीके से ना पक्षियों के लिए गर्मियों में पानी रखते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होती है। उन्हें भी उसी तरीके से प्यास और भूख लगती है जैसे हमें लगती है। तो बस यही कर रहे हैं आज विहान के पापा। और हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं बैठा हूँ और आप क्या कर ले हो, उफलिया होंगे और मैं बैठा हूँ, हम गल जा रहे हैं और आप क्या कर ले हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी ना मैं रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली अभी हम लोग आज जाने वाले हैं रेवाड़ी, सो बस अभी इसीलिए मैं रेडी हो गई थी। फ्रेंड्स, ये वाली साड़ी आप देख सकते हैं, ये जो मैं मामा जी के यहाँ से लाई थी ना, तो ये भी मैंने जब साड़ी आपको दिखाई थी ना उसके बाद में फिर मुझे ये भी अच्छी लग रही थी, तो इसकी ना एक्चुअली फोटो रखी हुई थी, फिर मैंने ये भी रेडी कर ली। तो ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। फ्रेंड्स, बस मैं रेडी हो गई हूँ और बस ये मेरे इस तरीके के बैंगल्स हैं, ये मैंने वेयर कर लिया। तो बस अभी हम जाएंगे और ये जो हमारा क्यूट सा भी हाथ भी रेडी हो चुका है, देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। अभी हम थोड़ी देर में आज की डेट है 2 जुलाई 2021। तो फ्रेंड्स, क्या है ना कि आज हम जाने वाले हैं अभी रेवाड़ी, तो एक्चुअली वहाँ पे कुछ काम भी है, सो वो भी काम कर लेंगे। और क्या है ना, अभी बस सुबह से सारा काम ऑलमोस्ट कर लिया है, कपड़े वगैरह हो गए। आज तो ना काफ़ी सारा काम था क्योंकि आटा मतलब कि गेहूं भी पीसने थे, तो फिर वो भी किया और काफ़ी जल्दी जल्दी फिर सारा काम किया, खाना वाना बना लिया है और बस सारा काम हो गया। और आप देख सकते हैं पसीने देखो कैसे आ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बस पूछो मत। और विहान के पापा भी रेडी तो हो गए हैं हम लोग और बोल रहे हैं यार इतनी गर्मी है, यार इतनी गर्मी है। पर क्या करें फ्रेंड्स, काम भी करना ज़रूरी है, तो काफ़ी दिन हो गए हैं काम अटके हुए हैं, तो वही है। और ये देखो हमारा क्यूट सा विहान, देखो कैसे रेडी हो गया है। ये देखो विहान की खिर खिर देख लो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, क्या है ना कि विहान के पापा ने बाइक रोक दी थी क्योंकि फाटक बंद था, तो बस यहाँ पे फिर रुक गए थे हम। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रेवाड़ी और यहाँ पे सबसे जो पहला काम था फ्रेंड्स, वो हमें था कि हमें बैंक में जाना था, जैसा कि मैंने आपको एक पहले व्लॉग में शेयर किया था। तो बस वही काम के लिए हम यहाँ पर आए थे क्योंकि इसी ब्रांच में मेरा अकाउंट है, तो यहाँ पर फिर हम आए हुए हैं और होपफुली मैंने सोचा कि आज ये काम हो ही जाए। तो फ्रेंड्स, बस यहाँ से हमने बैंक का काम करवाया था और उसके बाद में फिर यहाँ पे फिर हम रेवाड़ी में थोड़ा मार्केट के अंदर चले गए थे, जो पंजाबी मार्केट पड़ता है वहाँ पे चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना विहान के लिए हमें कुछ लेना था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और पिछले बार मैं मायके गई थी ना, तो विहान के लिए जो कैप हमने ले रखी थी फ्रेंड्स, वो ना वहीं छूट गई। तो विहान के पापा बोले कि धूप बहुत ज़्यादा रहती है, तो विहान के लिए चलो कैप ले कर आते हैं। तो हालाँकि जो मेन पर्पज़ था हमारा मतलब कि आज रेवाड़ी आने का, वो सबसे ज़्यादा मतलब कि बैंक का ही था काम, लेकिन हमने सोचा कि चलो एक बार पंजाबी मार्केट भी चल देते हैं क्योंकि मुझे भी कुछ सामान लेना था और विहान के लिए भी फिर हमें कैप वगैरह लेनी थी। तो बस हमने फिर यहाँ से अभी विहान के लिए फ्रेंड्स कैप ली, दो कैप ली विहान के लिए हमने।
तो फ्रेंड्स क्या है ना कि विहान के पापा के अभी हाथ में थोड़ा रिलीफ भी था, और सुबह आपने देखा होगा हाथ ना पूरा भी ना, मतलब बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड तो स्पेशली ना पूरा जले जैसा हो गया है। तो बस इसी वजह से ना फिर हम लोग कोशिश कर रहे थे थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उन्हें ना मतलब हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम भी लग रही थी। तो इसी वजह से फिर हमने ज़्यादा कुछ वैसे भी नहीं लेना था, मेन पर्पज़ तो था नहीं कोई हमारा शॉपिंग का, तो ज़्यादा कुछ ऐसा लेना नहीं था। बट वही था कि जो मुझे सामान लेना था वो था कि मुझे ना फॉल लेनी थी, जैसा कि मैंने आपको एक व्लॉग में शेयर भी किया था। तो क्या है ना फॉल नहीं थी, एक ही फॉल थी, तो जो मैं आज साड़ी पहन के आई हूँ ना तो उसमें मैंने लगा ली थी। तो बस फिर मुझे ना फॉल लेनी थी, और मैंने सोचा कि विहान के पापा को बोलूँगी तो वो कुछ ना कुछ और कलर लेके आ जाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज चल ही रहे हैं तो क्यों ना मेरा ये काम भी करवा लेते हैं। तो बस फ्रेंड्स फिर यहाँ से इस शॉप से फिर मैंने मेरी जो भी साड़ी की फॉल थी वो सारी ली, और ये विहान को देखो, विहान अपने देखो कैप पहन के कैसे घूम रहा है, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये अभी मैं मतलब कि शाम को आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि अभी 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, और आप देख सकते हैं बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि दोपहर में क्या था ना बहुत ज़्यादा थक गए थे फ्रेंड्स, तो फिर ना मैं आते ही मतलब कि सो गई थी। तो बस इसी वजह से ना फिर अभी आप देख सकते हैं मैंने सोचा कि अभी शाम में ही आपसे बात करती हूँ। तो ये देखिए विहान देखिए कैसे मस्ती करने लग रहा है, और बारिश भी काफ़ी अच्छी हो रही है, मतलब सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से आज बारिश होगी, बट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मतलब कि बारिश हो रही है। तो आप सभी के यहाँ पे भी क्या बारिश हुई है प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी दिन में बारिश हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स अभी ना शाम के 6 बजने वाले हैं, और जस्ट अभी विहान के पापा गए हैं, और आपने देखा कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, और अभी ना बस हल्की हल्की सी बूंद पड़ रही है, मतलब 10-15 मिनट पहले तो इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, और अभी आप देखिए ये देखिए अभी ना बंसी हो गई, बिल्कुल हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं। तो फ्रेंड्स क्या है ना आज दोपहर में हम बहुत ज़्यादा लेट आए, मतलब 1-1.5 बजे का टाइम हो गया था, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि बहुत थकान से लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो शाम में ही अभी फुर्सत में बात करूँगी। फ्रेंड्स अब बस अभी विहान के पापा बस जस्ट अभी कंपनी गए हैं, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी और वो वेट कर रहे थे थोड़ी सी हल्की हो जाए तो चले जाओ, तो बस अभी वो फिर गए हैं। और आज तो क्या है ना कि आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग रेवाड़ी गए थे फ्रेंड्स, और क्या है जो बेसिकली मैं जिस काम के लिए गई थी वो मैं बैंक के काम के लिए गई थी, और होपफुली आज वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया होगा यहाँ पे, मतलब मैंने फॉर्म भर के आ गई थी और वो मतलब कि मे बी शायद काम हो जाएगा, तो कल बस उस फॉर्म को यहाँ पे सबमिट करूँगी जो दूसरे ब्रांच में मैंने करवाया है अकाउंट। और दूसरी चीज़ की ना मुझे फॉल लानी थी, मेरी फॉल भी आ गई है, और तीसरी चीज़ फ्रेंड्स मेरी ना थ्रेडिंग बनवानी थी वो भी मेरा आज काम हो गया। तो फाइनली आज मतलब विहान के पापा ने मेरे ऑलमोस्ट काम करवा दिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या है ना वो कल ही बोल के चले गए थे कि ना कल जल्दी से काम करके ना जल्दी रेडी हो जाना, फिर कल चलेंगे और बैंक का काम करवा लेंगे, तो इसी वजह से फ्रेंड्स फिर गए थे। तो आज बैंक के काम के साथ साथ में मेरे और भी जो का ज़रूरी काम थे वो भी हो गए फ्रेंड्स। तो बस अभी वही है कि अभी बस खाना वाना बस 2-3 रोटी सेकूँगी हमारे लिए, सब्जी बन गई है, तो बस अभी वही है, विहान मस्ती करने लग रहा है। ये विहान को देखो विहान किरकिर करता रहता है। और फ्रेंड्स अब वहाँ से आज क्या है ना कुछ ऐसा खास नहीं लाए, बस यही था कि फॉल लेके आए, और बस विहान के लिए कैप लेके आए थे, 2 कैप लेके आए हैं, और बस और कुछ इतना नहीं, बस बेसिकली जो मेन पर्पस था जाने का वो बैंक का ही काम था, वो होपफुली वहाँ से हो गया, अब यहाँ भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बस इतना ही था आज के ब्लॉग में, होपफुली आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करिए, जिससे और भी काफ़ी सारे लोग हमारे चैनल से जुड़ पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय करो फ्रेंड्स को।